नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से है। चंदौली वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे भटके हुए जंगली सुअर को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल बलुआ थाना क्षेत्र के मजदाहा में जंगली सुअर के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने उसे आत्मरक्षा में मार दिया। हालांकि ग्रामीणों ने सुअर के आतंक की सूचना वन विभाग व पुलिस को दी थी, लेकिन वे समय रहते नहीं पहुंच सके। अब वन अधिकारी अपने बचाव में गलत बयानी कर रहे हैं। दरअसल बुधवार की अलसुबह मजदा गांव में भटक कर आए जंगली सुअर ने जमकर उत्पात मचाया। इस जंगली सुअर ने आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को घायल कर दिया। सुअर के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने मिलकर उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। जब सुअर मजदा गांव के बगीचे में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे घेर कर मार डाला और राहत की सांस ली। हालांकि इस पूरे मामले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ग्रामीणों की सूचना के घंटों बाद भी वनकर्मी नहीं पहुंचे, जिससे मजबूरन ग्रामीणों को सुअर को मारना पड़ा। यही नहीं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वन विभाग के अधिकारी अब गलत बयानी कर रहे हैं। वन रेंजर ने बताया कि जंगली सुअर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जिसके सबको दफना दिया गया है। संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दिनांक 28 अप्रैल 2020 को चंदौली सैदपुर मार्ग मजदहा के पास एक अज्ञात वाहन से जंगली सुअर घायल हो गया। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग पहुँचे, परंतु वो उस घायल अवस्था में उसने दम तोड़ दिया। तत्काल हम लोग डॉक्टर के पास उसको ले गए, परंतु डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते हुए उस जंगली मृत सुअर को हम लोगों ने टांडा कला पौशाला में गणमान्य व्यक्तियों के सामने पंचनामा बनाते हुए उसको दफन कर दिया।